लगी रहती हो, क्या कर रही हो? आप बैठिए, मैं भी आती हूँ शायद पानी लेने। तो बात ही है भाई। अच्छा तो फिर बताइए ना, ऐसी क्या बात है? देखो रामू, हमारा गरीबी के कारण हम विदेश पढ़ाई करने नहीं जा सकते थे, और मैं महाराज गायकवाड़ के पास गया था, उन्होंने मुझे छत्रपती का इंतजाम किया है। अच्छा अच्छा, आपने एक बार बताया था मुझे। हाँ हाँ हाँ, और अब मुझे विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब तो मैं मेरे भारत की उन्नति का रास्ता अपनाऊंगा। बहुत ही खुशी की बात है साहेब, आखिर आपका सपना पूरा होने का समय आ ही गया। समय से याद आया रामू, मुझे आज ही जाना है। आज ही जाओगे? हाँ, मैं यही बताने के लिए आया था। तो ऐसा करो, मेरा सामान लगवा दो जल्दी से। नहीं, खा रहने दीजिए रामू, खाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कोई रोटी रख लो तो उसे दे दीजिए। तो साहब सुबह की हो गई है, बस दो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साहब। मैं सुबह की ही खा लूंगा, कोई बात नहीं रामू। थोड़ा हम मुझे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करना मेरा बहुत जरूरी है, रोटी इतनी जरूरी नहीं है। जोरदार क्लैपिंग साथियों। सामान थोड़ा रहने, मेरे वो किताब भी रख देना रामू, वो उधर किताब पढ़िए, वो भी रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये भी रख दीजिए, ठीक है। बोलो बोलो भैया, ये माइक तो चलाओ। और क्या ये? देखो रामू, मेरा भारत के लिए जो शुद्ध समाज है, उसके लिए जो मेरे भारत में कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई जरूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें परिवार को छोड़ करके विदेश नहीं जाता। ये सब बात तो मैं जानती हूँ साहेब, लेकिन क्या करूँ, मैं भी अपने पत्र रखकर सीने पर कह रही हूँ। आप चले जाओगे तो मैं कैसे देखभाल करूंगी बच्चों की? लेकिन फिर भी आप हिम्मत ना हारे, मैं भी संभाल लूंगी साहब। आप अपना ध्यान पूरी पढ़ाई पर लगाइएगा। देखो जैसे भी होगी, मैं बच्ची बच्चों को संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम परिवार को भी देखोगी और सारी व्यवस्था संभाल कर लोगी। इसीलिए मैं तो विश्वास के खातिर मैं जा रहा हूँ। जी साहब, आप परेशान ना हुए, मैं अपनी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई बिघड़ा नहीं आने दूंगी। ये तो मुझे पता है रामू, कि मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ पर कोई संपत्ति छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे भारत को मेरी पढ़ाई की जरूरत है। जी साहब, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ये लीजिए साहब, ये आपका सामान। साहब अपना ध्यान रखिए, और समय समय पर चिट्ठी भी भिजवाते रहना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। जी साहेब, ठीक है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो रामू, ये क्या करती हो? अरे साहेब, क्यों छू रही हो? पति तो परमेश्वर होते हैं ना, तो पैर तो छूना। रामू, तुम जानती हो कि पति हूँ मैं, तुम्हारा जीवन साथी हूँ, तुम मेरी कोई दासी नहीं हो, पत्नी हो। जिस प्रकार से गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार से पति पत्नी भी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मैं पति कोई परमेश्वर नहीं, और तुम पत्नी कोई दासी नहीं हो, ठीक है ना? ठीक है साहेब, और मैं हारी, आपसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा एक और बात है मेरे बाद, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता करके जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए, लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद को बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। नहीं, नहीं मानूंगी साहब, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। विदेश जा रहे हैं।
तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, अरे उन्हें प्यास लग रही होगी, आए चली बड़ी सिखा ले के मेरी रानू को। ठीक है, लेकिन मेरा भी भरोसा अटूट है। साथियों जोरदार क्लैपिंग।